खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर भीषण सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई है। दरअसल जिंदा जलने से युवक की मौत हुई है। घटना में दो यात्री गंभीर रूप से झुलसे हैं, वहीं इलाज के लिए अस्पताल में रेफर किया गया। तो डबल डेकर बस में ये हादसा हुआ है, आग लगने के बाद ये हादसा हुआ। दरअसल बस बिहार से गुजरात की ओर जा रही थी, पुलिस ने रेस्क्यू कर कई यात्रियों की जान को बचाया है। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर ये हादसा हुआ। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हादसे से जुड़ी हुई है, फिरोजाबाद का मामला है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी बस जो बिहार से गुजरात की ओर जा रही थी, इसी बस में एक युवक की जिंदा जलने से मौत हो गई और कुछ घायल है। मौके पर देखा गया तो ये बस डबल डेकर बस है जो डिवाइडर से टकरा गई है और टकराने के बाद उसमें आग लग गई है। उसमें कुल बस स्टाफ लेके 72 लोग सवार थे। एक आदमी जो है बस में जलने से उसकी मृत्यु हो गई जब बस में आग लग गई, बाकी दो अन्य घायल हैं। बाकी अन्य जितनी सवारी थी सब सुरक्षित है, सबको उनके जहां भी उनको जाना है उनको भेजा जा रहा है। और शुभम दुबे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शुभम, अभी कुछ अपडेट इस हादसे को लेकर, और जब ये हादसा हुआ कितने यात्री उस दौरान इस बस में सवार थे? जी, तो मैं बता दूं, जो इसमें तीन अन्य लोग जो झुलस गए थे उनकी भी हालत गंभीर बनी हुई है, और इस मामले में एक युवक की जलकर पहले ही मौत हो चुकी है। इस बस की बात की जाए तो ये बिहार से गुजरात जा रही थी, उसमें ड्राइवर सहित कुल 72 लोग बैठे हुए थे। जी, यानी कि अनुमान से ज्यादा, जितनी क्षमता है उससे ज्यादा, और शायद इसी वजह से हादसा भी हुआ। जी निश्चित तौर पर ऋतु, डबल डेकर जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस बस दौड़नी है, इनकी कोई फिटनेस नहीं है और इस तरफ किसी का ध्यान भी नहीं है। इससे पहले भी एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 14 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो कह सकते हैं कि प्रशासनिक ARTO और जो अन्य अधिकारी होते हैं, इनकी तरफ से कोई भी चेकिंग नहीं की जाती और मानकों के विरुद्ध ऐसी बस चल रही है। चलिए, धन्यवाद आपका शुभम, हमारे साथ जुड़ने के लिए।